बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारी YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूँ राज रॉब, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं 17 से 20 वाले, वो इंतज़ार कर रहे हैं part-3 की रिजल्ट कब आएगी। यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान अखबार में कहा था कि 10 फरवरी तक रिजल्ट 10 फरवरी तक या उसके आसपास आएगी, लेकिन 21 तारीख को प्रभात खबर में ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि जो छात्र छात्राएँ किसी दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, एडमिशन तो उनका प्रोविजनल एडमिशन हो गया है, लेकिन रिजल्ट जो है 31 जनवरी से पहले या 31 जनवरी तक के रिजल्ट विश्वविद्यालय ने मांग की है। यदि उस दिन तक निर्धारित जो तिथि रखी गई है 31 जनवरी, उससे पहले का या उस दिन का रिजल्ट या उस दिन तक रिजल्ट जमा नहीं किया जाता है विश्वविद्यालय में, तो उनके जो होंगे एडमिशन रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही उस रिपोर्ट में यह भी था कि एक फीमेल छात्रा ने राजभवन को ये लेटर लिखा है कि विश्वविद्यालय को कहे कि जल्द से जल्द रिजल्ट दे ताकि मेरा एडमिशन बच पाए। 21 तारीख को वो रिपोर्ट छापी गई। मैंने कहा था कि इसका परिणाम क्या आता है देखना है, और सच में उसका परिणाम आ गया है। अब यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जिसको भी 31 जनवरी से पहले या 31 जनवरी तक का रिजल्ट चाहिए वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल रिजल्ट के लिए, लेकिन इस स्पेशल रिजल्ट के लिए ₹400 हर एक छात्र या छात्रा जो जिनको भी रिजल्ट चाहिए उनको ₹400 यूनिवर्सिटी में जमा करने पड़ेंगे। प्रभात खबर ने भी अपना क्रेडिट ले लिया है कि मैंने 21 तारीख को ये रिपोर्ट छापी थी कि छात्र परेशान हैं, एडमिशन ले लिए हैं फिर भी उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है और यूनिवर्सिटी उनके एडमिशन को रद्द करने की बात कह रही है। तो प्रभात खबर ने भी अपनी क्रेडिट लेते हुए कही है कि मैंने इस रिपोर्ट को छापी थी इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये सुविधा दी है स्पेशल रिजल्ट के लिए। क्या है पूरा मामला आप देख ले। हेडलाइन है कि दूसरे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले को मिलेगा part-3 का स्पेशल रिजल्ट। डिस्क्रिप्शन है कि दूसरे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए बिहार विश्वविद्यालय जल्द रिजल्ट देगा, ऐसे छात्र 27 जनवरी से रिजल्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मनोज कुमार ने दी है। प्रभात खबर ने आप देख पा रहे हैं, प्रभात खबर ने 21 जनवरी के अंक में part-3 में रिजल्ट के फेर में दूसरे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों आके एडमिशन फंसने की खबर छापी थी। इसके बाद गुरुवार को कई छात्र परीक्षा नियंत्रक से मिले। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों को कहा है कि वह आवेदन करें रिजल्ट के लिए, वो कोशिश करेंगे स्पेशल रिजल्ट के लिए छात्रों को ₹400 विश्वविद्यालय में जमा करने होंगे। आप देख पा रहे हैं कि छात्र ने परीक्षा नियंत्रक से 31 जनवरी तक रिजल्ट देने की मांग की है। तो अब ये एक सुविधा लाई गई है कि जिनको भी रिजल्ट थोड़ा जल्द चाहिए वह 27 जनवरी से यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन जो हॉल है वहाँ पर जो अलग अलग विभाग है मेरे हिसाब से part-3 का जो डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर आपको जमा करना होगा, लेकिन आपको चाहिए रिजल्ट जल्द तो 27 तारीख से आप जा करके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन जो पूरा डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप पता कर लेंगे कि स्पेशल रिजल्ट के लिए जो भी फी लग रहे हैं वो हमें चलान के तौर पर वो कहाँ पर जमा करना होगा। तो जिनको भी जल्द रिजल्ट चाहिए, जिनको बहुत ही आवश्यकता है, वो 27 जनवरी से रिजल्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। रिजल्ट जो पूरा आएगा, अब इस तरह की व्यवस्था लाई गई है तो फरवरी में ही रिजल्ट आ सकता है मुझे भी लग रहा है। तो बाकी जो भी रिपोर्ट होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।